जमात पंजुम स्कॉलरशिप के जहनी आजमाइश के आज के वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज का हमारा मौजू है यकसा रुकन पहचानना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे जरूर हल कीजिए। ये देखते हैं हमारा आज का मौजू यकसा रुकन पहचानना। दो हिदायत है आपके लिए, जहन नशीन कीजिए। सवाल में बाएँ जानब दी हुई सवाली शक्ल का गौर से मुशाहदा कीजिए। सवाल में बाएँ जानब आपको सवाली शक्ल दी जाएंगी, उसका अच्छे से मुशाहदा कीजिए। उसके बाद उसी के मुताबिक जवाबी अशकाल के मुतबादलात से हूबहू शक्ल पहचानना है। हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, फ्री के नंबर होते हैं, आपको सिर्फ मुशाहदा अच्छे से करना है और हूबहू जो शक्ल है, जो उसका डुप्लीकेट है या जो उसकी जुड़वा शक्ल है, वो हमें पहचानना है। दूसरी हिदायत है, सवाली शक्ल में दी हुई अलामत में अगर कोई तब्दीली हो तो इस पर ख़ास ध्यान दीजिए। सवाली शक्ल में जो अलामत दी गई है और उसमें अगर कोई तब्दीली हो रही है तो आपको उसका अच्छे से मुशाहदा करना है और उस पर ख़ास तौर से ध्यान देना है, और उसके बाद आपको जवाबी शक्ल में से अपनी सही शक्ल ढूंढना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सवालात। आप सवालात को देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह के सवालात होते हैं। और याद रखिए कि अगर आप जब आपके डिस्प्ले पे जब सवाल डिस्प्ले होंगे आपके स्क्रीन पर, तो आप उसे पॉज कीजिए, आप खुद मुशाहदा कीजिए और कोशिश कीजिए कि जवाब सही निकले आपका, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सवालात। है दी हुई सवाली शक्ल के मुताबिक जवाबी अशकाल के चार मुतबादल में से हूबहू यकसा शक्ल की शनाख्त कीजिए। यहाँ पे हमें यह सवाली शक्ल दी गई है और हमें इसकी जुड़वा यानी हूबहू शक्ल यहाँ चार ऑप्शन में से चुनना है। तो हम क्या करेंगे, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, खुद मुशाहदा कर सकते हैं। ये इसको क्या करेंगे, हम इस शक्ल को उठा के ओवरलैप करके देखेंगे कि ऑप्शन नंबर एक पर यह फिट होती है क्या, हो रही है। उसकी जो एक आंख है वो अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। ऑप्शन नंबर दो देखेंगे, ऑप्शन नंबर दो पे देखिए ये शक्ल हाँ हूबहू फिट हो गई है। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर दो है। फिर भी हमारी तसल्ली के लिए हम ऑप्शन नंबर तीन भी चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर तीन में देखिए उसकी नाक चेंज हो गई है, नाक अलग है, ऑप्शन नंबर तीन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर चार देखते हैं, ऑप्शन नंबर चार में उसका मुँह अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर एक दो और चार ये बिल्कुल चेंज है और ऑप्शन नंबर दो जो है ये बिल्कुल हूबहू है। इसलिए हमारा जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर दो। हम ऑप्शन नंबर दो को फिल कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से पूरा कंप्लीट। बात देखते हैं, बाद भी सेम सवाल है, हम उसी तरह करेंगे। अगर आप चाहे तो इसे भी पॉज कर सकते हैं आपका जवाब चेक करने के लिए। अपना मुशाहदा करने में ज़्यादा आसानी होती है बच्चों, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो आपका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और मुशाहदा कीजिए। देखिए अथवा आपको इस शक्ल को हम उठाएंगे, ऑप्शन नंबर एक पे रखेंगे, फिट होती है क्या, देखिए फिट नहीं हो रही है। उसके अंदर जो मुसलस दायरे और चौकुन है वो मैच नहीं हो रहे हैं। देखिए आप मुशाहदा कीजिए आप भी बराबर उसका। ऑप्शन नंबर दो में चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर दो में मुसलस तो मैच हो गया लेकिन दायरा और चौकुन अलग अलग हो गए। ऑप्शन नंबर तीन में देखिए, ऑप्शन नंबर तीन में जो ब्लैक पार्ट है शक्ल का वो ऊपर नीचे हो गया, तो ये भी गलत होगी। ऑप्शन नंबर चार में एक बार चेक करते, देखिए ऑप्शन नंबर चार में ये शक्ल बराबर फेस टू फेस मैच हो गई है, यानी हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार। हम ऑप्शन नंबर चार का जो दायरा है उसे अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। बाद एक और सवाल देखेंगे हम, सवाल भी सेम है, हमें इस तरह की शक्ल पहचाननी है, ये सवाली शक्ल है, इसे भी उसी तरह करेंगे हम। आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर एक में चेक करते हैं, एक में ये मैच नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर दो में भी ये मैच नहीं हो रही है, ऑप्शन नंबर तीन में देखिए बराबर परफेक्ट मैच हो गई है ये शक्ल। हमारा सही जवाब हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर तीन। तसल्ली के लिए ऑप्शन नंबर चार भी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर चार में मैच नहीं हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही जवाब है। हम ऑप्शन नंबर तीन का जो दायरा है उसे अच्छे तरीके से भर लेंगे। बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।